नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बताएंगे कि क्या है आखिर खबर, पर पहले बता दें कि चिराग पासवान जिस तरह से अचानक आशीर्वाद यात्रा छोड़कर दिल्ली रवाना हो गए थे कल, और उसके बाद इस बीच अब उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है पशुपति कुमार पारस ने, जो मंत्री बनाए गए हैं केंद्र में। और एक अलग गुट जो दरअसल चिराग पासवान की लोजपा थी, लोजपा से 5 सांसदों को लेकर पशुपति कुमार पारस अलग हुए थे और उन्हें अलग गुट की मान्यता दे दी गई थी लोकसभा में। लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें मान्यता दी थी। हालांकि इसके खिलाफ चिराग पासवान हाईकोर्ट गए थे, जहां हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया। दरअसल पशुपति कुमार पारस को जब मंत्री बनाया गया तो चिराग पासवान को ये नागवार गुजरा और वो इस मसले पर कोर्ट में गए थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि ये मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास है और इस मामले में वही फैसला लेंगे। इस तरह की बात करते नजर आए, कोर्ट का जो टिप्पणी हुई। तो अब आपको बता रहे हैं, इस बीच मुलाकात हुई है पशुपति कुमार पारस की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से। हालांकि उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें तस्वीरें साझा की हैं, उसमें लिखते हैं कि ये एक औपचारिक मुलाकात है, एक औपचारिक मुलाकात, अनौपचारिक मुलाकात की बात कर रहे हैं कि उन्होंने मुलाकात की है। मंत्री बनने के बाद वो लोगों से मिल रहे हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है, उसके बाद वो तमाम मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे, तो ये कहना है पशुपति कुमार पारस का। तस्वीरें भी उन्होंने साझा की हैं लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। लेकिन ये बड़ी खास बात है कि जिस तरह से चिराग पासवान चाचा के खिलाफ लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, वो अचानक से आशीर्वाद यात्रा छोड़कर दिल्ली गए हैं, इस बीच लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की है पशुपति कुमार पारस ने, तो एक बड़ा अगर कहा जाए कि कदम उठाया उन्होंने। हालांकि इसे अनौपचारिक मुलाकात बता रहे हैं, एक मुलाकात की बात कर रहे हैं कि इस मुलाकात में उनसे बस औपचारिक तौर पर मंत्री बनने के बाद मिले हैं। लेकिन चिराग पासवान जिस तरह से लगातार चाचा के खिलाफ आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं कि आखिर अब कौन सा कदम उठाएंगे वो, दरअसल पार्टी की लड़ाई अभी भी जारी है, पार्टी पर वर्चस्व की लड़ाई जारी है। चिराग पासवान का कहना है कि पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। हालांकि दूसरे गुट के तौर पर पशुपति कुमार पारस ने भी खुद को अपना पार्टी का अध्यक्ष घोषित कर रखा है, और दोनों की लड़ाई कोर्ट में अभी फिलहाल चुनाव आयोग में है, और चुनाव आयोग को फैसला लेना है इस मसले पर कि आखिर पार्टी किसकी है, चिराग पासवान की या उनके चाचा पशुपति कुमार पारस की। इस बीच आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की है। हालांकि उन्होंने एक ये शिष्टाचार मुलाकात बताया है इसे, लेकिन जिस तरह से चाचा और भतीजे के बीच लड़ाई जारी है और मामला लोकसभा का है, लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले दिनों मान्यता दी थी पशुपति कुमार पारस के गुट को और उसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया था। हालांकि चिराग पासवान का साफ साफ कहना था कि अगर पशुपति कुमार पारस को लोजपा कोटे से मंत्री बनाया जाता है तो वो कोर्ट जाएंगे। कोर्ट गए, हालांकि कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया, चाचा के पक्ष में फैसला दिया और कहा कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, कि इसका कोई आधार नहीं है, ये मामला जो है लोकसभा अध्यक्ष के पास है, विचाराधीन है और इस मामले में वही फैसला लेंगे। तो इस बीच अब जो ये मुलाकात हुई है तो क्या बात हुई है, ये बात तो हालांकि उन्होंने साझा नहीं की है, लेकिन जरूर चाचा भतीजे की लड़ाई के बीच ये मुलाकात खास है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।